कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप दिल्ली आए हैं, सरगर्मियां दिल्ली में हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। नॉमिनेशन भरने की तारीख 24 है, नोटिफिकेशन के लिए चिपका दिया गया है कांग्रेस मुख्यालय में, तो क्या दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं बता दूं आपको, भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। अब समस्या ये है कि उनको कैसे भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल करें। हज़ारों लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, अब उनकी व्यवस्था, ठहरने की, खाने की व्यवस्था, ये तो बहुत ही बड़ा एक वो विषय है। उसके लिए हम लोगों की आज मीटिंग है शाम को 4 बजे, मैं उसके लिए आया हूँ। अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदार हैं क्या, लड़ना चाहेंगे? क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा है कि कोई भी लड़ सकता है, तो आप भी लड़ने को तैयार हैं? हर पीसीसी डेलीगेट यदि वो अपने आप को सक्षम मानता है तो उसको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए। आप सक्षम मानते हैं अपने आप? जी, आप खुद को? आप क्या मानते हैं? आप तय करेंगे सर। मैं क्यों तय करूँ, आप बताइए। मैं पीसीसी डेलीगेट नहीं हूँ, ना कांग्रेस का सदस्य हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्या मुझे सक्षम मानते हैं क्या? कांग्रेस के कई लोग मानते हैं कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ या ना? जी हाँ या ना? उनको धन्यवाद, आप मना नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से? मैं तो ये कह रहा हूँ उनको धन्यवाद। अच्छा सर, एक और बात है, अशोक गहलोत ने आज कहा कि जैसा कल आपने सवाल उठाया था, एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, गहलोत ने कहा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार है क्योंकि न्याय नहीं कर पाएंगे अगर अध्यक्ष बनेंगे तो। हमें पूरा भरोसा था क्योंकि ये पार्टी त्याग करने वालों की पार्टी है। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, कोई ऐसा है कोई उदाहरण इस देश में या किसी देश में जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा हो? सोनिया गांधी ने छोड़ा। तो अशोक गहलोत का समर्थन करने के लिए आप तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा पूरे तरीके से, गहलोत के साथ हैं पूरे तरीके से, जो हमारी लीडरशिप तय करेगी उसका मैं पालन करूंगा। सर, एक और सवाल है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ देंगे, तो सचिन पायलट की दावेदारी वहां पर कितनी मजबूत? देखिए, ये सब तय करेगा हाईकमांड, तय करेगा, सीएलपी तय करेगी। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आप लड़ेंगे कि नहीं? जी, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं गहलोत का समर्थन है। आप 30 तारीख तक का इंतजार करिए। तो दिग्विजय सिंह अमूमन जो अपने पत्ते आखिरी वक्त तक अपने दिल के करीब रखते हैं, अभी तक सामने नहीं ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 30 तारीख तक इंतजार कीजिए। अशोक गहलोत का समर्थन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पर कोई सीधा जवाब दिग्विजय सिंह की ओर से नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।